पापा को भी बड़ा वाला सांप चाहिए, छोटा हो गया फोन बन गया तो। चल दुहरी कुत्ते वो एक जगह बैठ गया फोटो खिंचवाने के लिए। अरे भंगी ले वो अगर खींच ले अच्छी तरह ये ऐसे पड़ा अभी अभी ऐसे ही पड़ा था आप जैसा तो कोई होता हाथ में उठा ले इसको। मैं तो अभी उठा के फेंकने वाली थी नीचे, मैं देखी दादू को छूंगा आगे फिर वही आया मुझे गांठ लाग गई। मैं अभी मैं गांठ क्या लाग गई अब आज तो घुलो पड़े अब आज गांठ लाग गई मैं ध्यान में देख लूंगा। मैं देखो गेट जाना चाहता है कुछ ही कर लो ठीक है ना है? मैं नहीं काम कैसे करेंगे अब तो मैं क्या करूँ इसको पकड़ूंगा मैं ना तो उसको उठा दो मैं कौन ले जाएगा पानी में उधर निकाल के पाइप में सीधा निकल गया तो नीचे बाइक में जाने अटके होंगे सारा वहीं बाइक में रुक जाएगा बड़ा हो जाएगा तो माँ ने बिना घूसर बैठ गए तो बड़ा हो जाएगा बड़ो तो हुई थी पर इतनी जल्दी यूँ भी होगा माँ तो होती तो गिरी थी अच्छी आएगी पानी अब दोनों के दोनों यही खड़े रहोगे चढ़ गया मनु तो बोतल में रख ले जा अरे मम्मी मैं करूँ कल लैब में दिया थी इसको कल लैब में दिया थी मेरी वो बढ़ जाएगी बोतल में डाल ले डालो सच्ची डाल कर डाल डालो जी जैसे लैब में ये चीजें होती है कौन सी लैब में होती है हमारी साइंस की लैब में पक्का हाँ देखिए तुमने कंकाल भी है वही है तो कंकाल है ये भी बड़ा जिंदा है वो मुर्दा है हाँ मैंने देखी नहीं हुई होती तो है अल्लाह ताला से टमाटर सही कह रहे जिला मत भगड़ में ये फोटो है ना उस पर डालूंगा यूट्यूब के ऊपर लोग देखेंगे इसको तो मम्मी आज आपके घर में सांप निकला आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में ले जाना इसको मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ससुर मेरे सांप को मैंने देखा था तो मैं ना हाथ धो रही थी तब मैंने देखा कि इसमें एक धागा सा था तो मैंने सोचा इसको उठा के नीचे फेंक देती तो ये अपने आप से गांठ बन गई।
फिर ये अपना से खुल गई तो मैंने देखा कि ये क्या है। फिर मैंने नीचे देखे तो ये सांप था, और मैंने जोर से बोला मन्नू इधर आ, तो वो आया नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो सांप आया लेना। फिर मम्मी को मैंने बोला सांप आया है, तो फिर मम्मी आई फटाफट। फिर मम्मी ने कहा मन्नू जाना, फिर मन्नू भी इधर आया। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए, और जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि वो सांप वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है। बाबू तो आपने आपके घर में सांप देखा है अभी, कुछ कहिए इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी देख रहा हूँ उसको। मैं भी अभी देख रहा हूँ, कई दिन बाद ही आ गया। इसका मतलब ये मतलब ये पहले भी यहीं पे रहता था क्या? हाँ? ये पहले यहीं पे रहता था? पहले यहीं पे नहीं रहता था। तो आप कह रहे हैं कई दिन बाद आया है? कई दिन बाद आया। पहले एक दिन गली में बड़ा सांप था, ये गली में एक बड़ा सांप है। एक बड़ा सांप था, वो मेरी पापा की टैक्सी के नीचे घुसा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों को भ्रम हो चुका है कि सांप मर गया है, और ये दोनों बहुत खुश हुए। तो आप क्या कहेंगे चेपा जी, आपके घर में आज सांप आया है? ताई जी के घर में सांप आया है ना? तो कुछ कहेंगे आप इसके बारे में, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहो? बड़ा सांप था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सांप अभी भी यहीं पर है, और आप लगातार लाइव बने हुए हैं मेरे साथ। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइव वीडियो है ये। इस घर के इस बर्तन मांजने वाली जगह में एक छोटा सांप मिला है। सभी घर के सदस्यों में बहुत रोष है इस सांप को लेकर कि आया कहां से। आज से कुछ महीनों पहले की घटना है, तब एक बड़ा सांप जो है वो इस गली में देखा गया था। लोगों में बड़ा डर पैदा हो गया था कि कहीं ये सांप उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो लगातार कह जा रही है कि इसको बाहर फेंकिया, इसको बाहर फेंकिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये कोई छिपकली या कोई छोटी चूहिया नहीं है जो मैं इसे बाहर फेंकिया हूँ। ये सांप है, सांप 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 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सांप सांप होता है। तो जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको फिर से एक और ले चलता हूँ सांप की ओर, क्योंकि मेरी मम्मी कोशिश कर रही है कुछ। और आप तो फालतू तो मम्मी वीडियो खराब मत करो, बोल बोल के वीडियो खराब मत करो, आवाज आ रही है आपकी इसमें। तो आप देख रहे हैं कि सांप अभी भी जिंदा है, ये लगातार हिल रहा है, ये कोशिश कर रहा है यहाँ इस सिंक में ऊपर चढ़ने की, लेकिन ये चढ़ नहीं पा रहा है। बहुत पानी है यहाँ पे, इस पानी से दे रहा है आपको। बोल बोल। और आप ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ तो तरुण जी ये क्या सोच रहे हैं आप बताएंगे? मुझे दिखाओ। रुक जाओ एक मिनट, ये क्या सोच रहे हैं आप बताएंगे कुछ? ये सोच रहा है कि मैं ऊपर वीडियो में खड़ा करो। हाँ तो बाबू आप क्या सोच रहे हैं तरुण जी? हाँ जयपा जी आप कुछ कहना चाहेंगे फिर से? हाँ। कहिए। सांप है ना ऊपर रहेगा तो मैं इसको मार डालूंगा। अच्छा आप इसको मार डालेंगे? हाँ। आप सांप से नहीं डरते? मैं नहीं डरता। आप भी नहीं डरते? लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने स्कूल में रोज मार खाते हैं बच्चों से। आप तो लवली से ही मार खाते हैं? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या मार खाते हैं? मारते नहीं। थप्पड़ दो दागे।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने एक धागे रूपी जो अपना बेस है।